लगभग 15+ ईयर्स कॉरपोरेट में वर्क करने के बाद आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स प्रोग्रेस करें, तो दैट वन थिंग विच इज़ वेरी क्रूशल इज़ कि आप उनको टाइमली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। और यहीं पे आके मुझे लगता है कि बहुत सारा गैप आ जाता है बहुत सारे लोगों के अंदर, जो कि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या तो दे नहीं पाते हैं या फिर ऐसे देते हैं कि लोग उसको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 10 टिप्स दैट यू कैन यूज प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विदाउट हर्टिंग समवन। तो जो पहला टिप है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट, रिगार्डलेस ऑफ कि कितनी बेकार सिचुएशन इफ आई में से कितना प्रॉब्लम है, कितनी चीज़ें हैं जो आपको देनी है कंस्ट्रक्टिव, बट ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। अप्रिशिएट समबडी जेन्युइनली फॉर व्हाट दे हैव डन, द काइंड ऑफ एफर्ट दे हैव पुट, द काइंड ऑफ रिसर्च दे हैव डन, द काइंड ऑफ नो ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट दे हैव डन, यू मस्ट स्टार्ट विद दैट बिकॉज दैट अलाउज पीपल टू ओपन अप देयर माइंड। आपने जब कुछ अच्छी बातें बता दी तो फिर वो थोड़ा फीडबैक लेने के लिए ओपन हो जाते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा ओपन हो जाता है एंड वो उसको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में लेते हैं। तो नंबर वन, ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। नंबर टू, एंड यहाँ पे आके मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि फीडबैक ए का देना होता है और उसमें बी सी डी एफ जेड सब ऐड कर देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी फीडबैक दे रहे हो तो स्पेसिफिक फीडबैक दे रहे हो। स्पेसिफिक से मतलब स्पेसिफिक इंस्टेंस, किस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, किस पर्टिकुलर नो एक्टिविटी की बात कर रहे हो, टास्क की बात कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा ही ऐसे करते हो, आपने ये भी नहीं किया, आप कभी वो भी नहीं करते हो, दैट डजंट वर्क आउट। अगर आपको एक्चुअली जेन्युइनली किसी को फीडबैक देना है, देन टेक वन एग्जाम्पल, टेक वन इंस्टेंस, टेक वन एक्टिविटी और उसमें आप स्पेसिफिक फीडबैक दो वर्सेज मेकिंग इट जनरलाइज, दैट कैन रियली चेंज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। और तीसरा है यूज आई स्टेटमेंट, एंड व्हाट आई मीन बाय दैट, क्या होता है कि बहुत बार हम लोग फीडबैक देने की जगह पे एलिगेशन मोड में चले जाते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट, फीडबैक इज जनरली अ पर्सपेक्टिव, योर ओपिनियन, योर व्यूज, यू कैन नॉट गो इनटू एलिगेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आइदर आई कैन से कि यू आर ऑलवेज लेट, और आई कैन से दैट आई नोटिस यू हैव बीन कमिंग लेट टू द मीटिंग्स, इज दैट एवरीथिंग ओके? नाउ सी द डिफरेंस, इन बोथ द केसेस द मीनिंग इज द सेम, दैट द पर्सन इज कमिंग लेट टू द मीटिंग, टू द ऑफिस और व्हाटएवर इट इज, बट इन द फर्स्ट केस आई एम मेकिंग एन एलिगेशन, तुम हमेशा लेट आते हो, यू आर ऑलवेज लेट, एंड सेकंड मैं मेंशन करता हूं कि आई थिंक मैंने नोटिस किया कि तुम आजकल लेट आ रहे हो, इज एवरीथिंग ओके? सो ऑलवेज यूज आई स्टेटमेंट, दैट शोस कि यू आर पुटिंग डाउन योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं वर्सेस जस्ट पुटिंग एन एलिगेशन ब्लेम ऑन समवन। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टिप। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कौन सा टिप आपके लिए आई ओपनर रहा है और कौन सा टिप है जो आप आज के बाद यूज करने वाले हैं। चौथा टिप, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, ऑल्सो ऑफर सॉल्यूशंस एंड इनसाइट्स। जैसे पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं, एक तो होता है कि आप कह दिए कि आई नोटिस दैट यू आर कमिंग लेट, बट आफ्टर दैट व्हाट टू डू? सो हमेशा जब आप फीडबैक दे रहे हो तो कोशिश करो, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद योर सबॉर्डिनेट्स और योर स्टूडेंट्स, कि उनको कुछ सॉल्यूशन भी दो, कि मे बी यू वांट टू स्टार्ट 15 मिनट्स अर्ली, मे बी यू वांट टू चेक द रूट्स एंड मैप इन एडवांस टू सी इफ देयर इज अ कंडीशन और देयर इज अ वेदर प्रॉब्लम। जब आप इस तरह का सॉल्यूशन ऑफर करते हो तो इट बिकम्स फॉर देम वर्सेस फॉर यू। अल्टीमेटली आप जो फीडबैक दे रहे हो वो सामने वाले पर्सन के लिए दे रहे हो, जिसको आप दे रहे हो उसके लिए दे रहे हो, अपने लिए नहीं दे रहे हो। इफ यू आर डूइंग दैट, ऑल्सो ऑफर सम सॉल्यूशन, सम सजेशन, सॉल्यूशन एटसेट्रा, दैट विल हेल्प दैट पर्सन ग्रेटली। दैट वॉज टिप नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 5। अगेन ये जो टिप नंबर 5 है ये भी बहुत बहुत कॉमन है और बहुत ही सटल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बट इससे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब ये ओवर द टाइम होता है। तो दैट इज कि आप किसी के बिहेवियर पे फोकस करिए, पर्सनालिटी पे नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछला एग्जांपल हमारा चल रहा है किसी का लेट होने पे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू आर कम्प्लीटली इनरेस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट अ पर्सन हु आर प्रोफेशनल, आप बिहेवियर पे फोकस करो कि यू आर कमिंग लेट, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू थिंक यू आर कमिंग लेट। सो अगर आप बिहेवियर पे फोकस करोगे, इट इज ईजी टू चेंज बिहेवियर, बट इट्स नॉट ईजी टू चेंज समवन्स पर्सनालिटी। अगर आप पर्सनालिटी पे जाओगे, इट्स गोना बी इनटू दैट, कहते हैं ना वो रैबिट होल में आप चले जाओगे, देयर विल बी क्रॉस आर्गुमेंट, क्रॉस एलिगेशन, एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सो द नंबर 5 इज फोकस ऑन बिहेवियर, नॉट ऑन पर्सनालिटी। नंबर 6, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द टाइमिंग एंड द प्लेस। आई रिमेम्बर बहुत साल पहले एक ऑफिस में जब मैं काम करता था, एक बहुत ही बहुत सीनियर मैनेजर थे और उनकी आदत थी कि वो कभी भी किसी के सामने किसी को भी फीडबैक देने लगते थे, एंड दैट मेड हिम अ रियली बैड रेपुटेशन, इवन दो ही मे और मे नॉट हैव बैड इंटेंशन, बट क्योंकि उनको पता नहीं था कब फीडबैक देना है, कहाँ फीडबैक देना है, कैसे फीडबैक देना है, ही वॉज इल नोन और बैडली नोन फॉर दिस, एंड पीपल डिडंट लाइक टू वर्क विद हिम, इट कैन गो टू दैट एक्सटेंट।
जो छठा और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप किसको कहाँ फीडबैक दे रहे हो, एज दे से कि अप्रिशिएट पीपल इन पब्लिक बट क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। सो आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको कहाँ फीडबैक दे रहे हैं। जनरली स्पीकिंग आप लोगों को प्राइवेटली फीडबैक दीजिए, 1-to-1 करिए, अलग से मीटिंग रूम में जाके फीडबैक दीजिए। एंड कब देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, आप उस समय रोक करके फीडबैक दे रहे हैं, इट्स नॉट ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो बहुत टाइम के बाद फीडबैक दे रहे हैं, जैसे कि आज कुछ हुआ और उसका फीडबैक आप 3 महीने बाद देंगे, दैट पर्सन मे नॉट इवन रिमेंबर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट प्लेस, अप्रोप्रिएट टाइम और अप्रोप्रिएट सेटिंग में आप फीडबैक दो। सो दैट वाज टिप नंबर 6। टिप नंबर 7 है जिसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप सामने वाले से क्यूरियोसिटी के साथ पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू डिफरेंटली, और क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ और आपके आइडियाज हैं, सोल्यूशन है। नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिटिसाइजिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग ओनली गिविंग ऑफर्स एंड सोल्यूशंस एंड सजेशंस, अगर आप उनको इनकरेज करते हैं कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें, वो प्रॉब्लम के लिए नए नए तरीके अपनाएं, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दैट पर्सन गेन्स एंड कॉन्फिडेंस, बिकॉज देर इज अ गुड चांस कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो द कॉन्फिडेंस वुड हैव गॉन डाउन, बट इफ यू टेक इट इन द राइट वे यू कैन एक्चुअली हेल्प दैट पर्सन रीगेन दैट कॉन्फिडेंस। इज़न दैट वी वॉन्ट टू डू अगेन एंड अगेन। तो आप लोगों के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन जगाइए, आप लोगों से पूछिए ओके चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, आप आगे और कैसे बेटर कर सकते हैं, या क्या मिस्टेक हम अवॉइड कर सकते हैं, या और क्या कर सकते थे। जब आप इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कहते हैं पूछते हैं, तो इट रियली हेल्प दैट पर्सन अंडरस्टैंड द फीडबैक एंड ऑल्सो बी बेटर प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द 8th टिप फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक विदाउट हर्टिंग समवन। फीडबैक के लिए जो 8वां टिप है वो है सैंडविच। मैं खाने वाले सैंडविच की बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअली अगर आप देखो सैंडविच में, तो सैंडविच में क्या होता है, आपके ऊपर नीचे ब्रेड होते हैं और बीच में मेन उसका मटेरियल होता है। अगर चीज सैंडविच है तो चीज है, आलू सैंडविच है तो आलू है। द पॉइंट हियर इज कि आप हमेशा जब आप फीडबैक दे रहे हो तो यू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव वन, जैसे हमने स्टेप नंबर 1 में भी किया था, देन गिव द क्रिस्प एक्शनेबल स्टेप इन स्टेप नंबर 2, एंड एंड भी अगेन आप पॉजिटिव नोट पे समरी के साथ करो। दैट इज कॉल्ड द सैंडविच मेथड। नाउ देर आर सो मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स एंड आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज और रिकमेंड एनीथिंग, दिस इज पर्सनली दैट हैज वर्क फॉर मी, गिविंग सैंडविच फीडबैक वेयर यू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट, यू गिव सम फीडबैक, समथिंग दैट दे कैन वर्क अपॉन और इम्प्रूव अपॉन, एंड एंड again on a positive note that really builds their confidence and they feel that okay this is something jo chota mota hai main improve kar sakta hu but I think mujhe acha laga feedback lekar ke, that is very very important. So my personal tip is use sandwich method. Let's go on to the second last or 9th tip when it comes to providing feedback, and the 9th and the second last tip is something which we are not doing properly at times, and that is active listening. Agar aap kisi ko feedback provide kar rahe ho, aapko kuch unko kuch bata rahe ho, be also open to listening. Agar aapne unko kuch point bataya, let that person give the justification, give the reasoning, give that self-reflection and thoughts. Agar if it is going to be one-way communication, one-way conversation, it's not going to land well. But if you really want to make deep connections, you really want to build that relationship, nurture that relationship, aapko active listening karne hongi, jahan pe aap apna point dene ke baad, wait for that person to understand and then respond, and then you respond to his or her response. And now is the 10th and the final tip that is very, very important. Is that your feedback doesn't end on that one particular meeting, that one particular conversation. You need to follow up and you also need to provide support. You can say, okay, when do you think we should meet again? What do you need from me to work upon? And when you do that, you are genuinely showing ki aap us person ke success mein invested ho. You really want that person to be successful. You are invested in that. That can really help that person. So those were the 10 tips on how to provide effective feedback without hurting someone. आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको पता नहीं था या आपके लिए आई ओपनर था। आई वुड लव टू हैव दोस, एंड ऑल्सो कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप पहले से करते रहते थे। आई विल वेट फॉर दोस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज आई से एवरी टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। वी हैव सम एक्साइटिंग न्यू थिंग्स कमिंग अप। आई एम गोना मेक यू अवेयर इन द कमिंग वीडियोस। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।